छत्तीसगढ़ पर आए रोहित, तो एक तरफ देखिए सीधी कांड को विपक्ष भुना नहीं पाया, दूसरी तरफ महादेव ऐप वाला मामला अब लग रहा है कि बीजेपी ने भुना लिया, और एक बहुत बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का। नहीं, ऑब्वियसली टाइमिंग एक तो साफ तौर पर जिस चीज को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे कि अमूमन तौर पर आप देखते हो कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई विपक्ष हमेशा से पूछता रहता है कि भाई ईडी, ये जांच, ये सब सीबीआई, ये सारी की सारी चीजें अचानक से इसी समय पर क्यों होती है। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि क्या इन मामलों में जब आप देखते हो, जैसे दिल्ली में जो कुछ हुआ, आपने नहीं देखा कि मनीष सिसोदिया जेल के पीछे है, आपने नहीं देखा कि किस तरीके से चार्जशीट दाखिल हो रही है अब सारी की सारी, संजय सिंह के मामले में क्या आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, या कहीं पर भी और जहां पर भी इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं, क्या वो सिर्फ एक कोरा, जैसे आप कहो कि माहौल बनाने की प्रक्रिया होती है, क्या वो ढकोसला होता है? जी नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जांच करवा दी और हमेशा ही आपको ये मिल रहा है कि भाई जांच खाली हाथ लौट रही है। भाई अगर कोर्ट कुछ कह रही है, अगर पुलिस कुछ कह रही है, अगर कुछ सबूत है आपके खिलाफ, तभी तो ये सारी की सारी चीजें आगे बढ़ रही है ना। अदरवाइज इन सारी की सारी चीजों को आप कह सकते हो कि भाई ये तो छवि खराब करने वाली चीज है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे, अगर भूपेश बघेल के खिलाफ एक गवाही आई है, अब आज की स्थिति में यथास्थिति क्या है उस गवाही की, वो पलट गए हैं, वो नहीं पलटे हैं, वो एक अलग बात है, वो जिस चीज के लिए आई वो काम हो गया। हाँ, वो काम हो गया ना। आप जिस वक्त पर आप एक एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े थे अपने राजनीतिक जीवन के या वैसे भी, उस वक्त पर उस कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले ने आपको कहीं ना कहीं आरोपित आप रहे उस समय पर, और आपकी छवि खराब हुई है, जिसका असर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नतीजों पर पड़ा है। कहीं ना कहीं आपके बारे में भ्रष्ट कहा गया, कहीं ना कहीं आपको लेकर के ये कहा गया कि भाई पैसे की कुछ लेनदारी का मामला है साफ तौर पर, तो वो चीज आपकी इमेज पर जब बट्टा लगा रही है, और अभी भी चीजें ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल फैसला आ चुका है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि भाई कहीं कुछ अधूरा सामने निकल कर, अभी भी ऑन प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से इसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पर जिस तरीके से आपने सीधी कांड को जिस तरीके से विपक्ष को भुनाने नहीं दिया, यहाँ पर आपके जो आरोप थे वो शायद आपके लिए काम कर गए, और इसीलिए ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, बाकी सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जहां पर आप मानोगे कि भाई इस फैक्टर ने चीजों को पूरी तरीके से बदल दिया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एंड पार्टी की। बिल्कुल रोहित, और एक फैक्टर और अगर ध्यान दे तो छत्तीसगढ़ में निकल कर आता है, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं चुनाव से कुछ दिन पहले जी, और उसी बीच चुनाव में उनके चुनाव से जस्ट पहले उनके बयान आते हैं कि मेरी राजनीति जो रही है अब मुझे उसमें कुछ चाहिए, अगर मैं अब की मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो फिर मेरी इस राजनीति का कोई मतलब नहीं। क्या उस एक बयान ने कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया और कांग्रेस में एक टूट अंदर खाने कर दी होगी? नहीं, बिल्कुल वही आज आप बोल रहे हैं ना कि भाई सचिन पायलट को फायदा हुआ है जयपुर में, सॉरी राजस्थान में, अगर कांग्रेस हारी है तो इसका नुकसान तो अशोक गहलोत को हुआ है कि उनकी सियासत अब सिमट सी जा चुकी है, लेकिन इसका फायदा अगर किसी को हुआ है कांग्रेस में तो वो सचिन पायलट है, क्योंकि गुर्जर समाज ने सीधे तौर पर आपको समझ में आ रहा है कि वंचित कर दिया अशोक गहलोत को, वही यहां पर भी हुआ ना। टीएस देव सिंह अगर ये कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री कब तक बना रहूं, या मैं नंबर टू कब तक रहूं, मैं नंबर वन कब बनूंगा स्टेट में, मेरी भी तो मेरे पीछे भी तो एक वोट बैंक है, मैं भी तो लोगों को अपने साथ जोड़कर ला रहा हूं। आप जब भी बात करते हैं, आप जब भी केंद्र में रखते हैं, आपको जब भी कोई चेहरा दिखाना होता है, आप भूपेश बघेल का दिखा देते हैं, तो ये जो अंदर खाने, और ये तो वो चीजें हैं जो प्रकट तौर पर सामने आई, आप सोचिए जब ये चीजें सामने निकल कर आई होंगी तो अंदर खाने क्या चल रहा होगा, जिसे आप कहते हो बैकडोर पॉलिटिक्स जो चल रही है, जब आप चीजों को कुतरना शुरू करते हैं, वो सेल 11 में जो रैट माइनिंग चल रही थी ना, वो यहां पर भी चल रही होगी, और इसी तरीके से जो है वो बुनियाद खोदी जा रही होगी भूपेश बघेल की सियासत की, कि भाई अब यहां से अगर ये शख्स जीत गया तो फिर हमारी सियासत जो है वो नीचे चली जाएगी, उसका डाउनफॉल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता भी है, मैं उत्तराखंड जैसे राज्य से आता हूं जहां पर मुझे पता है कि भुवन चंद्र खंडूड़ी को किस तरीके से हरवा दिया गया था, किस तरीके से उनकी सियासत को जो है एक तरफ कर दिया गया था। तो ये चीजें आप सियासत के अलग अलग, आप भूगोल अलग हो सकता है, लेकिन सियासत की ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत पहले की है, और इसे आप अलग अलग राज्यों में साधते हुए एक दूसरे के ऊपर देखा करते हो, यहां पर भी कोई नया नहीं है। और अगेन, इसका अगर फायदा जैसे राजस्थान में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सचिन पायलट ने उनको हरा दिया, लेकिन जब आपको पता चलता है कि दो नेता इस तरीके से भिड़े हुए हैं आपस में, और लोगों ने यही तो कहा ना कि कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नेता को कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, सचिन पायलट के मामले में भी यही कहा, टीएस देव सिंह के मामले में भी यही कहा कि भाई कांग्रेस से थोड़ी कोई दिक्कत है, लेकिन हमें भी तो, हमारे नेता को भी तो कुछ दो। बिल्कुल, हम तो उनकी वजह से आ रहे हैं,
अगर वो है तो हम है, अब वो नहीं है तो हम भी नहीं है, तो हम नहीं है तो नतीजा ये है। बिल्कुल। और राजस्थान की तरफ अगर बढ़े तो राजस्थान में भी बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कि शायद राजस्थान की परंपरा रही 5-5 साल वाली, इसलिए भी कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी का एक आना लोग मान रहे थे कि ये परंपरा इस तरीके से चल रही है और चलती रहेगी।